हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। हिंदी सिनेमा के लिए शाहरुख खान की फिल्म पठान वरदान बनकर आई है। जिस तरीके से पिछले साल बॉलीवुड की कई फिल्में फ्लॉप हुई, उसकी सारी कसर इस साल की शुरुआत में पठान ने निकाल ली है। तो ऐसे में बॉलीवुड गपशप की शुरुआत भी हम पठान से ही करते हैं। रिलीज के पहले दो दिन में ऐतिहासिक कमाई करने वाली पठान ने यह साबित कर दिया है कि अब बॉक्स ऑफिस पर फिर से बॉलीवुड का राज होने वाला है। इस बीच गौर किया जाए तो पठान की तीसरे दिन की कमाई की तरफ तो इससे पहले दो दिन के मुकाबले हल्की सी गिरावट जरूर नजर आई है, लेकिन नॉन हॉलीडे के हिसाब से पठान की कमाई भी काबिले तारीफ मानी जा रही है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक पठान रिलीज के तीसरे दिन यानी कि शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 38 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस तरह फिल्म ने अभी तक 161 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। हालांकि आने वाले दिनों में पठान की कलेक्शन में दोबारा से बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। ओपनिंग डे पर बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली पठान ने साबित कर दिया कि शाहरुख खान की वापसी बड़े पर्दे पर धमाकेदार है, उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। किंग खान जो है पठान रिलीज के दूसरे दिन 68 करोड़ का कलेक्शन कर एक नया कीर्तिमान रच दिया। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पठान का फर्स्ट एक्सटेंड वीकेंड 200 करोड़ के पार हो सकता है, क्योंकि अब तक पठान ने 3 दिन में 158 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस कर डाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर सोशल मीडिया पर अक्सर अपने हुस्न के जलवे बिखेरती रहती हैं। अब उन्होंने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक दिखाई है, जिस पर फैंस फिदा हो गए हैं। जहां तक कि रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया ने भी जाह्नवी कपूर की तस्वीरों पर कमेंट कर दिया, यानी कि अपने आप को रोक नहीं पाए, जिसे सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जाह्नवी कपूर ने इंस्टा हैंडल पर अपनी लेटेस्ट फोटोज पोस्ट की है, जिसमें वो ब्राउन कलर की साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने एक बड़ी सी नोज रिंग पहनी है, जिसमें उनका देसी लुक बेहद खास लग रहा है। जाह्नवी कपूर ने कैमरे के सामने अलग अलग पोज में फोटोज क्लिक कराई है, जिस पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस के रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर की बात करें तो कमेंट सेशन में उन्होंने हार्ट इमोजी बनाई है। मालूम हो कि जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में दोनों अनंत अंबानी और राधिका मोचन की सगाई सेरेमनी में भी स्पॉट हुए थे। इसके अलावा जाह्नवी और शिखर को अक्सर किसी ना किसी पार्टी या फिर इवेंट में साथ देखा जाता है। ये भी चर्चा है कि दोनों मालदीव वेकेशन पर साथ में गए थे, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड किया। हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते पर पब्लिकली कोई स्टैंप नहीं लगाई है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो जाह्नवी कपूर पिछली बार फिल्म मिली में नजर आई थी, जिसमें उन्होंने एक बिहारी लड़की का रोल प्ले किया था। इन दोनों जाह्नवी कपूर के पास एक से एक फिल्में हैं, जो साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बवाल में जाह्नवी कपूर वरुण धवन के साथ दिखेंगी। ये मूवी 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मिस्टर एंड मिसेज माही में राजकुमार राव के साथ जाह्नवी कपूर की केमिस्ट्री नजर आने वाली है। इस मूवी में एक्ट्रेस क्रिकेटर का रोल प्ले कर रही है। सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई और किसी की जान को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। वहीं हाल ही में फिल्म का टीजर 25 जनवरी को रिलीज हुआ था, जिसके बाद फैंस भाईजान की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच खुद को फिल्म क्रिटिक्स बताने वाले कमाल आर खान उर्फ केआरके ने ट्वीट कर सलमान खान से उनकी फिल्म के टीजर का रिव्यू करने की इजाजत देने की रिक्वेस्ट की है। कमाल आर खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, सलमान खान के पास कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं उनकी फिल्म का रिव्यू नहीं कर सकता। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, इसलिए मैं कानून नहीं तोड़ने वाला। जनता मुझे फिल्म #... किसी का भाई किसी की जान टीजर के रिव्यू करने की रिक्वेस्ट कर रही है, इसलिए मैं सलमान खान से विनम्र अनुरोध करता हूं कि मुझे इसका रिव्यू करने की अनुमति दे। सलमान को भी पब्लिक की इज्जत करनी चाहिए। बता दें कि सलमान खान ने केआरके के खिलाफ केस दर्ज कराया था। दरअसल केआरके ने सलमान खान की फिल्म के रिव्यू में काफी फालतू बातें कही थी, जिसके बाद बॉलीवुड के सुल्तान ने केआरके के खिलाफ मानहानि का केस ठुकवा दिया। सलमान खान ने आरोप लगाया था कि कमाल आर खान सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियोस के जरिए उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसके बाद किसी अन्य मामले में जब केआरके को गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद सलमान खान से माफी मांगी थी। और भला सलमान खान से पंगा कौन ले सकता है।
सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान को इस साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होना है। इस फिल्म को 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। वहीं सलमान के अलावा इस फिल्म में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी रीड रोल में नजर आने वाली हैं। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।